हेलो एवरीवन, नॉलेज विश्वास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नॉलेज विश्वास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो को अपडेट आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो की आप पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है। तो सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होता है, ये चार ऑप्शन दिया गया है और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा कि डी ऑप्शन सही होगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है मानव नेत्र से उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने में, या दूरदर्शी में, या सूक्ष्मदर्शी में। इसका ऑप्शन नंबर तो डी सही होगा, उपयुक्त सभी में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 cm होता है। इसका अनंत इसका अधिकतम दूरी कितना होता है, आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट यह है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर है, इसका फोकस दूरी होगी। तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसकी फोकस दूरी 50 cm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोल दिखता है। तो सूर्य गोल दिखता है कैसा दिखता है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, चपटा दिखता है। तो सूर्य ये दिख रहा है वो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य चपटा दिखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो कौन सा लेंस है जो मतलब कि पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो जल का उपयोग होता है, उसके बाद प्लास्टिक का भी उपयोग होता है उसका कवर बनाने के लिए, और कांच का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो मिट्टी का उपयोग नहीं होता है लेंस बनाने के लिए। तो ये मिट्टी है जिसका उपयोग नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डायोप्टर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पानी पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। जो पानी होता है उसकी बाल्टी की गहराई बहुत ही कम दिखता है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, तो अपवर्तन है। इसका कारण ऑप्शन नंबर बी सही है, अपवर्तन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है। जो पानी में डाली जाती है छड़ी वो टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका भी कारण अपवर्तन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होती है, तो ये अभी इसका अभी नंबर ऑप्शन सही है, लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, उत्तल लेंस उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस ताप की इकाई है। तो निम्नलिखित में से किस ताप की इकाई है, तो ये सेल्सियस का भी होगा, केल्विन का भी होगा और फारेनहाइट का भी होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष भौतिक किस भौतिक राशि की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, दूरी की इकाई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस कारण पर निर्भर करता है, किस कारण पर निर्भर करता है, तो ये घनत्व पर निर्भर करता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बर्फ पानी में तैरती है क्योंकि, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बर्फ पानी का घन बर्फ का घनत्व तो पानी के अपेक्षाकृत कम होता है, बर्फ का घनत्व तो है जो पानी के अपेक्षाकृत बहुत ही कम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर करता है, तो ये आकार पर भी निर्भर करता है और द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा ए सभी, डी ऑप्शन नंबर सही है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी। तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा दिया था न्यूटन। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं। तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वीय बल कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गुरुत्वीय बल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। तो पृष्ठ तनाव की इकाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, न्यूटन मीटर होता है पृष्ठ तनाव की इकाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दूध को मथने पर क्रीम को अलग हो जाती है, जो क्रीम है जो दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, तो अपकेंद्र बल के कारण ही दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किस पर अर्थित होता है। तो बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किस पर अर्थित होता है, तो शक्ति और वोल्टता पर अर्थित होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अति चालक वह चालक है जिसका क्या शून्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रतिरोध शून्य होता है, प्रतिरोध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त कौन सा साधन है। तो बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन रेगुलेटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग लोहे पर कलाई करने चढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जस्ता का प्रयोग किया जाता है, जस्ता का लोहे पर कलाई करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। इसका अब बात करते हैं पिछले क्वेश्चन जो आपसे मैंने पूछा था। तो पिछला क्वेश्चन ये था कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदात्रिक दाता होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ओ समूह वाले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, तो ये आपके पास ये चार ऑप्शन दिया गया है। जो भी आंसर सही होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर इस वीडियो को पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से ज्वाइन करके इस वीडियो को पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहीं पर करते हैं वीडियो का समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।